हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों से मुझे एक बात कहनी है। मैं कोई वैसा कोई ब्लॉग नहीं बना रहा हूँ, बस इतनी बात कहनी है कि सच में इस बार हिमाचल में, मैंने सिर्फ उत्तराखंड में 2013 में मैंने सुना ही था कि ये सब हुआ है, लेकिन इस बार हिमाचल में मैंने देखा है और सच में ऐसी तबाही हुई है हिमाचल में, हद से ज़्यादा, कि देख के दिल थर्रा जाता है सच में। जब मैं नीचे से चंडीगढ़ से ऊपर आ रहा था, गाड़ियाँ फंसी हैं नदियों में, पड़ी हुई हैं खिलौनों की तरह, टूटी टाटी, और मतलब इतना ज़्यादा डिस्ट्रॉय हुआ है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। और वो सब नतीजा है नेचर के साथ खिलवाड़ करना, नेचर के साथ खिलवाड़ करना। कि जब हम नेचर के साथ खिलवाड़ करते हैं तो बहुत बुरा होता है। नेचर के साथ खिलवाड़ तो करना ही नहीं चाहिए, और इसका कोई वो नहीं है कि हम नेचर को दोष दें। नेचर का दोष नहीं है ये दोष नेचर का नहीं है, ये दोष सिर्फ हमारा है, हमारा है, आपका है। क्योंकि जब आप लोग हिमाचल आते हो या पहाड़ों में जाते हो ना, आप लोग तो नीचे से आके एंजॉय करने आते हो, खूब मज़े मस्ती है ना, लेकिन जो गंदगी यहाँ फैला के जाते हो ना, नेचर की बेइज्जती करके जाते हो आप, कचरा, बॉटल, चिप्स के पैकेट, बिस्किट के पैकेट, कॉन्डोम्स जो आप लोग फेंक के जाते हो ना यहाँ पे। मैं रहता हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ, जो हिमाचल में जो पहाड़ों में रहते हैं वही आपको हकीकत बताएंगे। जो आप यहाँ गंदगी करके जाते हो, आप ये सोचते हो कि आप यहाँ घूमने आ रहे हो, टूरिस्ट हो, आप पैसे खर्च कर रहे हो, होटल में रुक रहे हो, होम स्टे में रुक रहे हो, है ना, आप सोचते हो पूरा पैसा वसूल कर लो, जो गंदगी है वो सब यहीं फेंक दो अब, है ना। मैंने देखा है, क्योंकि मेरा खुद होम स्टे है, तो आप लोग जब आते हो ना, गाड़ियाँ खड़ी करते हो, गाड़ी में दुनिया भर का नीचे से कचरा लेके आते हो, दिल्ली से या कहीं से भी आते हो आप लोग, तो वो कचरा यहीं सारा फेंकते हो आप लोग। तो गलती आपकी है, जो ये नेचर आप लोग बर्बाद कर रहे हो। हिमाचल में इतनी गंदगी आप लोगों ने फैलाई है आके, आप लोग घूमने के नाम पे जो गंदगी फैलाते हो ना यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। ये देखो, रोड जो है वो दो दो तीन तीन चार चार फीट नीचे धंस चुकी है ये रोड, आप सोच सकते हो ऐसा कुछ है। नेचर तो हमेशा से ऐसा रहा है, अपनी जगह स्थिर, लेकिन गंदगी आप लोग करते हो ना, तो नेचर गुस्सा होता है हमसे। ये देवलोक है उत्तराखंड, हिमाचल, ये देवलोक है। आप देवलोक में आके गंदगी फैला रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है, समझ जाओ। अभी भी बहुत समय है। देखो, क्योंकि आप लोगों को फ़र्क तो पड़ता नहीं है, जो शहरों में आपने गंदगी फैलाई है हद से ज़्यादा, शहरों में गंदगी जो फैलाई है, पेड़ रखे नहीं है शहरों में, हैं। ये देखो कैसे गिर रहा है, ये कुछ नहीं है, बस नेचर आपसे गुस्सा है, हमसे गुस्सा है, क्योंकि इसका कारण हम ही हैं जो डिस्ट्रॉय हो रहा है ना। आप देखो, ये देखो, सैकड़ों हजारों पेड़ गिर चुके हैं। एक पेड़ को जो बड़ा होने में 20 से 25-30 साल लग जाते हैं। देखो, ये जो घर देख रहे हो आप, ये कभी भी आ सकता है नीचे। देखो, पूरी की पूरी रोड बैठ गई है। सो आप लोगों से मेरी बस यही गुजारिश है कि जब आप पहाड़ों में आओ ना, तो आप उनकी इज्जत करो। आप जो गंदगी नीचे से लाते हो ना, या गंदगी जब आप यहाँ पे रुकते हो, तो आप जो लोग यहाँ पे गंदगी फैलाते हो, वो प्लीज़ मत फैलाओ। मेरी आप लोगों से यही गुजारिश, नहीं तो आप पहाड़ों में मत आओ। आप तो सोचते हो नीचे बहुत गर्मी है, चलो पहाड़ों में जाके एंजॉय करते हैं, आप लोगों का यही रहता है ना। सो प्लीज़ आप लोग ऐसा मत करें। देखो, ये कल शाम को ही गिरा है, कल शाम को ही गिरा, जबकि बारिश भी नहीं है, कल शाम को ही गिरा है ये।
ये देखो, ये आप लोग ही आते हो, ये देखो वो सामने प्लास्टिक पड़ी है ना, ये देखो ग्लास पड़े हैं, बॉटल्स पड़े हैं, ये आप लोग जो आके यहाँ गंदगी फैलाते हो ना। ऐसा नहीं है कि आप लोगों पे ब्लेम कर रहा हूँ, आप लोग तो हो ही हो सबसे बड़ा कारण। दूसरा, ये गांव वाले भी हैं यहाँ के जो आसपास के, क्या खूबसूरत झरना है देखो, इनकी इज्जत करो यार। इनकी इज्जत करो भाई। आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि आप लोग जब प्लीज़ पहाड़ों में आते हो ना घूमने के लिए, आओ खूब इंजॉय करो, अच्छी जगह है, आप ये समझ लो देवलोक में आ रहे हो, लेकिन यहाँ की गंदगी मत फैलाओ, गंदगी मत फैलाओ। ये हमारा जीपी में ही इतनी गंदगी फैलाई हुई है। मनाली तो बहुत बुरा हाल है, कसोल तो बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है, मैंने देखा है अपनी आँखों से। सो जो गंदगी शहरों में फैलाई है ना, वो पहाड़ों में मत फैलाओ, इनको बर्बाद मत करो, इनकी इज्जत करो, पहाड़ों की इज्जत करो, पेड़ों की इज्जत करो, झरनों की इज्जत करो। ये आपको कितना स्वच्छ पानी देते हैं देखो, इस जैसा पानी और कहीं नहीं मिलेगा आपको। आपके घर में जो फिल्टर लगा है, मिनरल वाटर लगा है, कहीं ऐसा पानी नहीं मिलने वाला आपको। इस समय नीचे तो बहुत गर्मी हो रही होगी, यहाँ बहुत अच्छा मौसम है, बहुत अच्छा मौसम है। आज 4 बजे से बारिश दिखाई है, बट अभी तक बारिश हुई नहीं है। सो ये रोड अभी खुलना बाकी है, क्योंकि जेसीबी लगी है वहाँ पे। आज हम निकलने वाले थे चंडीगढ़, बट रोड बंद है। मैं आया था 10 तारीख को यहाँ पे, और आज हो गई 22-23 हो गई शायद, तो निकलना था बट फंस गए हैं क्योंकि रोड बंद है। रोड बंद ना होता तो निकल गए होते कब के, और कई गेस्ट हैं उनकी गाड़ियां फंसी हुई हैं, तो मतलब बहुत बुरा हाल है इस रोड का। नीचे तो हाईवे, मतलब जो कुल्लू मनाली हाईवे, चंडीगढ़ मनाली हाईवे है, वो तो पूरा ही डिस्ट्रॉय हो चुका है। चंडीगढ़ शिमला हाईवे है, वो भी आपने न्यूज़ देखी होंगी हिमाचल की, तो बहुत बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। हमारे यहाँ पे आसपास बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुए हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। देखो रोड ज़रा सा रह गया है, कितना चौड़ा रोड हुआ करता था, ज़रा सा रोड रह गया, दिखाता हूँ आपको। ये देखो आगे से कितना चौड़ा रोड है, और ये देखो सारा लैंडस्लाइड हुआ है, देखो ये सब लैंडस्लाइड है। देखो लास्ट टाइम जब मैं जुलाई में 12-13 जुलाई जो सबसे पहला यहाँ पे जो हुआ था, सबसे पहला जो शुरू हुआ था यहाँ लैंडस्लाइड का सिलसिला, उस समय ऐसा नहीं था। मैं आया था इस रोड पे, लेकिन इस बार तो बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत हुआ है इस बार तो। ये देखो पूरा रोड जो है वो ख़त्म हो चुका है, ये ऐसा कभी नहीं हुआ करता था। लास्ट ईयर इतनी बारिश हुई बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, इस बार ये ऐसी बारिश हो रही है कि रोड की हालत ख़राब हो चुकी है, जगह जगह नाले बन गए हैं। ये देखो ये सामने देखो, सांस चढ़ गई मेरी। ये देखो
पूरा ऊपर से आया है सब। ये पूरा रोड गया है घूम के, इधर से घूम के आगे से ये आया है, फिर आगे से घूम के वो सबसे ऊपर जो आपको दिख रहा है वो वहाँ पे गया है। तो ये रोड जा रहा है तांदी के लिए, जी बी तांदी रोड है। बहुत हालत ख़राब है। वो गाड़ी जो खड़ी है वो हमारे गेस्ट की गाड़ी है, वो वहीं पार्क करके चले गए थे क्योंकि रास्ता पूरा ब्लॉक हो गया था। और जब हम आए थे उसके बाद अभी 3-4 दिन पहले ही ये एक बड़ा सा पत्थर रोड पे आके रुक गया है। ये देखो ये रास्ता पूरा बंद, इसको ही हटाने में जेसीबी को 2-3 घंटे लग जाएंगे। ये देखो ये सारे पेड़ झूल रहे हैं, देखो ये कभी भी गिर सकते हैं। ये बड़ी बुरी हालत है। ये यहाँ देखो फूल कितने प्यारे प्यारे खिले हैं। और वहाँ से चलते चलते वो सामने आपको पेड़ पे बोर्ड दिख रहा है, फ्री बर्ड नेस्ट। ये आ गए हम घर पे। सो यही है हमारा फ्री बर्ड नेस्ट। फ्री बर्ड नेस्ट ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है। ये रास्ता जो जा रहा है नीचे, यहाँ से 100 मीटर का यहाँ बोर्ड लगा हुआ था, किसी ने हटा दिया। सो देखो कितना घना जंगल है यहाँ अंदर। 100 मीटर नीचे जाके प्रॉपर्टी है। ये ऊपर गया तांदी के लिए रोड, और यहाँ से 1 किलोमीटर ऊपर और हमारी प्रॉपर्टी है। सो ऐसी जगह मैं रहता हूँ। तो जो मैंने आपसे जिसलिए मैंने ये वीडियो बनाया था उसी टॉपिक पे फिर आता हूँ। सो आप लोग प्लीज़ नेक्स्ट टाइम इस बात का ध्यान रखें कि जब भी पहाड़ों में आएँ सफाई रखें और गंदगी ना फैलाएं यहाँ आके। बस यही मेरी गुजारिश है आप लोगों से, खूब आओ घूमने। नीचे पता है मुझे बहुत गर्मी होती है, मैं मुंबई रहा हूँ मुझे पता है गर्मी कितनी होती है, यूपी मेरा घर है मुझे पता है बहुत गर्मी होती है। अभी भी मैं नीचे ही था 1 महीने से, 10 तारीख को आया हूँ वापस, बहुत गर्मी होती है। अच्छा है आप लोग पहाड़ों में आइए इंजॉय करिए, लेकिन आप इन पहाड़ों को बचा के रखना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर इस तरह से गंदगी आके फैलाओगे, नेचर को डिस्ट्रॉय करोगे, क्योंकि टूरिज़्म बढ़ रहा है ना तो इसलिए कंस्ट्रक्शन भी बहुत बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है, कंस्ट्रक्शन बहुत बढ़ रहा है उसकी वजह से हाईवे डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप पहाड़ों को डिस्ट्रॉय करो। डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं कि आप पहाड़ों को डिस्ट्रॉय करो। उत्तराखंड की तो हालत ख़राब हो ही चुकी है, अब बारी है हिमाचल की। जो हाईवे बन रहे हैं, जो रेलवे आ रही है, डेवलप बहुत अच्छा है, होना चाहिए, लेकिन नेचर को ध्यान में रख के। जब आप नेचर के साथ खिलवाड़ करते हो ना, फिर जब नेचर आपके साथ खिलवाड़ करती है फिर कहीं की कोई नहीं रहता। फिर चाहे पहाड़ हो चाहे प्लेन हो, हालत ख़राब हो जाती है। देखो पंजाब की हालत क्या है, क्योंकि पानी सारा हिमाचल से पंजाब में जा रहा है, पंजाब की हालत कितनी ख़राब है। तो नेचर की इज्जत करो आप लोग, नेचर को डिस्ट्रॉय मत करो। बस आपसे मेरी यही विनती है, ठीक है। आप लोग अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। पहाड़ों में अगर आ रहे हो तो अभी मत आओ। आप लोग आना है तो अक्टूबर में ही आना, जब भी आना हो तो अक्टूबर से पहले मत आना, क्योंकि यहाँ की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। सो बस यही कहना चाहूँगा आपसे, आप लोग अपने ख्याल रखिए, ठीक है। मिलते हैं जल्दी, बाय बाय।